मुझे क्यों धोखा दिया? सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी अपनी फोटो लगाकर कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सो गाइज, सबसे पहले आपने यहाँ पर लाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से और ओपन कर लेना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा और एक आपको बीटमार प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा। और इन दोनों का एक्सएमएल फाइल, सॉन्ग टेम्पलेट, ये मटल्स जो भी मैंने यूज किया एडिटिंग के लिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो सभी को एक एक करके डाउनलोड कर लेना है बीटमार प्रोजेक्ट को और शेक इफेक्ट प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बीटमार प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसमें मैंने लिरिक्स की टेक्स्ट पहले से लिख के रखा हुआ है। और इधर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बीटमार्क दिखेगा, जहाँ पर बस आपको अपनी फ़ोटो को ऐड करना है। तो सबसे पहले अगर आपकी लिरिक्स कुछ इस टाइप से नहीं दिख रहा, तो क्या करना है, फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है। फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अलाइट मोशन में ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं मैं वो बताऊँगा। उससे पहले आपने करना क्या है, प्रोजेक्ट से सॉन्ग डिलेड हो जाती है हमारी, तो ऐड कर लेना है सॉन्ग को। इसके लिए प्लस में क्लिक करके ऑडियो में आना, व्यू ऑल पे क्लिक करके सॉन्ग में आना, और जो सॉन्ग मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पर प्लस की आइकन में क्लिक करके सॉन्ग को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो सॉन्ग आपकी ऐड हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले लिरिक्स को गाइस डाउनलोड करके ऐड कर लेते हैं। उसके लिए लिरिक्स को टैप कर लेना, एडिट टैक्स में आ जाना और यहाँ पे इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके व्यू ऑल फॉन्ट्स में आना, थ्री डॉट पैक इंपोर्ट फॉन्ट्स में आना, जो लिरिक्स मैंने दे रखा है आपको फॉन्ट, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना। तो आपकी ये यहीं पर दिख जाएगा वो लिरिक्स की फॉन्ट, नहीं तो यहाँ पर सर्च में लिख लेना कीपोन। जैसे आप यहाँ पर कीपोन लिखोगे ना, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला फॉन्ट आ जाएगा, सिलेक्ट कर लेना। आप नीचे वाले लेयर को भी क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना सभी को। जब सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ग्रुप वाले को भी टैप करके उसी लिरिक्स को यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर दोनों लिरिक्स को सेलेक्ट कर लेना है और इस ऑप्शन में क्लिक करके ग्रुप बना लेना है। फिर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर से यहाँ पर ग्रुप बना लेना है, फिर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर से यहाँ पर ग्रुप बना लेना है। तो कुछ इस तरीके से ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने करना है कि इसी को टैप कर लेंगे और बॉर्डर एंड शैडो मैक का थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर इनेबल कर लेना और साइज को फुल कर लेना। जो आपकी लिरिक्स की कलर रहेगा यहाँ पे कलर पे आकर उसी कलर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट को भी टैप करेंगे, बॉर्डर एंड शैडो मैक का थर्ड ऑप्शन को इनेबल करके फुल कर देंगे साइज को, और जो कलर आपकी यहाँ पर इमेज ये जो है गाइस बैकग्राउंड में आपकी लिरिक्स की, वही कलर आपने फिर से ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैं इधर भी कर लेता हूँ, उसको पूरा फुल कर लेते हैं और वही कलर को मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए ऐड कर लेता हूँ। येल्लो कलर है गाइस ये, तो येल्लो को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को टैप कर लेना लिरिक्स को, इफेक्ट में का थ्री डॉट पैक कॉपी इफेक्ट कर लेना, जितने भी लिरिक्स है क्लिक करके इफेक्ट में पेस्ट इफेक्ट कर लेना, इधर भी क्लिक करके इफेक्ट में का थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। सो गाइस, कुछ इस तरीके से लिरिक्स क्रिएट हो चुकी है। अभी प्लस में क्लिक करके एक शेप को ऐड करके इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और कलर एंड फिल के ऑप्शन में आकर ब्लैक कलर ऐड करके इसकी ड्यूरेशन गाइस यहां तक कर लेना, जहां तक अपनी लिरिक्स की ड्यूरेशन है। और इफेक्ट में आके एडिट इफेक्ट पे आएंगे और यहां पर अपने सिंपली सर्च कर लेना है सिंपल स्टार फिल। जैसे यहां पर सर्च करोगे ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स ऑन कर लेना। सबसे पहले स्केल को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगा और साइज को यहां पे डिक्रीज कर लेना आपने, पूरा गाइज डिक्रीज करते छोटा कर लेना आपने। तो यार कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, मैं इतना रहने देता हूं, फेतर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो साइज और थोड़ा डिक्रीज करेंगे और जीरो जेड पे क्लिक कर लेना, स्टार्टिंग में प्लस लगा लेना और एक एंड में इसकी प्लस लगा लेना शेप को, और इसको 400 से 500 के अप्रोक्स कर लेना। अब बैक होकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर लाइटन में आकर स्क्रीन के ऑप्शन को इनेबल करके टैप करके इसको सभी म्यूजिक यानी लिरिक्स के नीचे छोड़ देना है। तो कुछ इस टाइप से हमारी लिरिक्स क्रिएट हो चुकी है। अभी अपनी इमेज वगैरह ऐड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर प्लस में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके इमेज को क्लिक करके फुल स्क्रीन करके सेंटर में फिक्स
कट्स कर लेना, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना यार, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से मैं फ़ोटो को गाइज फास्ट थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपने फ़ोटोज़ को गाइज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी फ़ोटोज़ आप ऐड करना चाहते हो, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख लेना है। और गाइज आप लोग का कॉमेंट आता है कि भाई आप फ़ोटो कहाँ से डाउनलोड करते हो, तो इसलिए बोलता हूँ यार वीडियो को पूरा देखा करो यार, ठीक है। मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई फ़ोटो कहाँ से डाउनलोड करना है कुछ इस टाइप की। तो यार मैं हर एक फ़ोटो ना इंस्टाग्राम से भी जाकर डाउनलोड करता हूँ, या एक प्रिंटरस्ट नाम है, गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना, सर्च कर लेना प्रिंटरस्ट, ठीक है, एक ऐप है, वहाँ से भी आप जाके गाइज बहुत सारे मॉडल्स की इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, यानी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यार एंड तक आपने एक एक करके अपनी इमेज को कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे एंड तक ऐड कर लीजिएगा, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा दिया, इधर भी आपने ऐड कर लेना है, 3-4 और बच चुका है। जब फोटो ऐड हो जाएगा तो बैक हो जाना और प्रीसेट माना, देखो दो प्रीसेट मिलेगा। अब ये प्रीसेट जरूरी नहीं है कि आप भाई मेरी मुताबिक लगाओ, जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे ये दोनों इफेक्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले सेकंड वाले को टैप करूँगा, इफेक्ट में आकर 3D पे आकर कॉपी इफेक्ट करके बीट मार्क में आऊँगा, और मुझे जहाँ जहाँ पे अच्छा लगेगा ना मैं वहीं वहीं पे लगाऊंगा। जैसे कि मुझे गाइस यहाँ पे अच्छा लग रहा है सॉरी स्टार्टिंग वाले में, तो इसको क्लिक करूंगा, इफेक्ट में आकर पेस्ट इफेक्ट कर लूँगा, फिर इन दोनों फोटो पे मैं ज़रूर लगाऊंगा। तो जहाँ जहाँ पे एक फ़ोटो की ड्यूरेशन कम होगा और वहाँ पे एक फ़ोटो पे लगा लेना और अगली फ़ोटो पे, फिर देखो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर देखो एक फ़ोटो ड्यूरेशन कम है, तो इसको क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, इधर भी क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, फिर से गाइस यहाँ पे है तो इसको भी क्लिक करके इफेक्ट में आकर पेस्ट इफेक्ट कर लेना, इधर भी क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो देखो फिर से इधर है तो यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर लेना, यहाँ कर लेना, फिर से गाइस यहाँ पे एक बीच में कर लेना, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद बैक हो जाना और प्रीसेट में आ गए तो फर्स्ट नंबर वाले को आप सेलेक्ट कर लेना और इफेक्ट में आकर 3D पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, ओके। अब उसके बाद में फिर से हम बीट मार्क में आएंगे। अब गाइस जो जो फोटोज हमारे बच चुके हैं क्लिक करते जाना, इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, फिर इधर भी क्लिक करेंगे इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे, इधर भी मैं क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लूँगा। तो यार मैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है ना, जहाँ जहाँ पर मुझे लगाना है वहाँ वहाँ पर मैं इस सभी इफेक्ट को ऐड कर दिया हूँ। जब ऐड कर लोगे तो फिर बैक होकर प्रीसेट में आओगे तो ऊपर 3 HDR प्रीसेट मिलेगा, तीनों को सेलेक्ट करके प्लस में आकर कॉपी 3 लेयर करके बीट मार्क में आना फिर से, और जहाँ से हमारी लिरिक्स खत्म होंगी वहाँ पे आके प्लस में क्लिक करके पेस्ट 3 लेयर कर लेना। तो ये HDR इफेक्ट ऐड हो जाएगा आपकी फ़ोटोज़ पे, और इसकी ड्यूरेशन मैंने पहले से एंड तक करके रखा हुआ, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फाइनली हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है गाइज, अब इस वीडियो को हमने एक्सपोर्ट करके सेव कर लेना है गैलरी में। तो उसके लिए शेयर वाले ऑप्शन में टैप कर लीजिएगा और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।